अभी हम मौजूद हैं सीहोर के छावनी शमशान घाट पर। यहाँ पर कोरोना काल के दौरान अंत्येष्टि यहाँ पर की गई है, जिसमें से 500 ऐसे लोग हैं जिनके परिजन उनकी जो अस्थियां हैं वो लेने नहीं पहुंचे हैं। कुछ अस्थियां जो कि यहां पर जो भंडारे अस्थि भंडार उसमें सुरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे की तरफ यहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा उस समय किया गया था, जिसमें कि 400 लोगों की जो राख होती है, जिसमें उनकी जो अस्थियाँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो भी मिक्स हैं। वो भी कोरोना काल के दौरान प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक 4 स्टैंड यहाँ पर सुरक्षित कर दिए गए थे और यहाँ पर उन सभी की अंत्येष्टि की जा रही थी। इसके अलावा भी यह चारों स्टैंड कम पड़ रहे थे, तो वहाँ पर आप मेरे तरफ देख सकते हैं, उधर भी 1-2 स्टैंड बनाए गए थे, वहाँ पर भी अंत्येष्टियाँ की जा रही थी। और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है, जिनके परिजन उनकी लाशों को भोपाल या फिर बेड़ागढ़ सहित आसपास के अन्य शमशान घाटों पर छोड़कर भाग गए थे, उन लाशों को भी यहां पर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार कराया गया। कुछ ऐसे परिजन भी थे कि जो कि साथ तो जरूर आए थे, लेकिन अपने परिजनों को हाथ तक लगाना नहीं चाहते थे। ऐसी लाशों का, ऐसे शवों का यहां पर नगर पालिका के सफाई अमले में जो कर्मचारी शामिल हैं उनके द्वारा यहां पर बाकायदा उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराया गया था। उसी दौरान कुछ ऐसे भी परिजन लोग थे जो कि अपने परिजनों की अस्थि भी अपने घर पर नहीं ले गए। ऐसे ही कुछ लोगों की अस्थियां, जिनकी संख्या कुछ नहीं लगभग 400 है, यहां पर मौजूद है और उन अस्थियों को वो परिजन लेने तक नहीं आए हैं। छावनी शमशान घाट पर यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं अस्थि गृह, यहाँ पर अस्थि बैंक बनाया गया है। यहाँ पर उन अस्थियों को जो सब जलते हैं उसमें कुछ हड्डियां रह जाती हैं, उनको यहां सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि पवित्र नदियों में उनका विसर्जन किया जा सके और उन मृत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान देवे। ऐसी परंपरा के अनुसार उन अस्थियों को पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में ये आत्माएँ बड़ी ही करार रही हैं और अपने परिजनों से निवेदन कर रही हैं कि हमें हमारे धाम तक पहुंचा दीजिए और हमारी अस्थियों को पवित्र नदियों में विसर्जित कर दीजिए। लेकिन उनके परिजन सुनने को तैयार नहीं हैं। मृत लोगों की जो अस्थियां हैं उनकी नर्मदा नदी में विसर्जन करने का संकल्प शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोरा और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा के द्वारा जनहित में लिया गया है। ये उनका एक बहुत ही साहसिक निर्णय है। इसके बाद इन सभी 500 से अधिक लोगों की अस्थियों को सही स्थान प्राप्त होगा। काफी बड़ा उस समय गड्ढा कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा, जिससे कि यहाँ पर उन सभी कोरोना संक्रमित जो लाशें आ रही थी और धड़ाधड़ लाशें आ रही थी, अस्पताल पूरा फुल था। जहाँ तक कि सीहोर के आसपास का जो भोपाल है, बेरागढ़ है, वहाँ से भी यहाँ पर लाशें लाई जा रही थी और यहीं पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जिसके लिए यहाँ पर एक गड्ढा बना दिया गया था और उसी में उनकी जो राख होती थी जलने के बाद वो यहाँ पर डाली जा रही थी, क्योंकि उनकी जो अस्थियां हैं, उनके जो फूल हैं, वो कोई ले आने को उस समय तैयार नहीं हो रहा था। तो यहाँ की नगर पालिका और यहाँ का शमशान प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर उस गड्ढे में इस राख को डाला जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में उन हड्डियां भी, अस्थियां भी इसमें राख में सम्मिलित है और 400 लोगों की ये राख है। यहाँ पर काफी गहरा गड्ढा था। कोरोना के टाइम जो लोग दिवंगत हो गए थे उनकी अस्थियाँ अभी शमशान में रखी हैं। संख्या तो पूरी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जितनी भी अस्थियाँ हैं वो सब हमारे यहीं के लोगों की है, बाहर की है। जब तक उनकी अस्थियों को विधिवत रूप से नर्मदा जी या गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म के हिसाब से कि वो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप लोग कहना चाहूँगा कि इतवार को, आने वाले इतवार को सारी अस्थियों को हम इकट्ठा करवा के गाड़ी में ब्राह्मण लोगों को भेजकर विधि विवाह से उनका तर्पण कार्यक्रम नर्मदा जी में कराएंगे। और जिन परिवार के लोग उन गाड़ियों में जाना चाहे वो पूरी व्यवस्था रहेगी, भोजन से लेकर उनकी जो भी दक्षिणाएँ, जो भी विधिवत रूप से कार्य किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है सीहोर की जनता से
कि जो लोगों के भी परिवार में ऐसे लोगों की अस्थि अगर हो तो वो साथ जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, और यहाँ भी अगर वो विदाई देना चाहें तो दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारी टीम के द्वारा कम से कम 1000 लोगों को अंतिम संस्कार किया गया है, हाँ, 1.5 महीने के अंदर जी। और क्या क्या व्यवस्थाएं थी नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका तो सभी व्यवस्था थी, कर्मचारी थे, बॉडी लाके लाने वाले, ले जाने वाले, लकड़ी जमाने वाले जहाँ पे भी कर्मचारी थे, सफाई वाले, और लकड़ी जमाना, कंडा जमाना, मतलब लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आन दी हमने। अच्छा, लोगों को संतुष्ट करके भेजा हमने यहाँ से। यहाँ 450 के आसपास लाशें जली थी जिनको कोरोना हो गया था जी। अच्छा, और अदर जो सामान्य थे वो? सामान भी सामान तो एक आधा था। अच्छा, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो कि उनके परिजन यहाँ से अस्थियाँ नहीं लेकर गए? पूरी नहीं पड़ी है, सभी की। लगभग कितने लोग होंगे? 400 लोग करीब हैं। 400 लोग।